हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्थ हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वृद्धा पेंशन ईकेवाईसी कैसे करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, सिंपली हम लोग को सबसे पहले वृद्धा पेंशन की वेबसाइट पर आ जाना है, ई लाभार्थी पे। तो दोस्तों, जब भी आप सीएससी से करेंगे तो आप क्रोम ब्राउजर से नहीं करेंगे बल्कि मोजिला फायरफॉक्स से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोजिला से करेंगे तो वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक का ऑप्शन शो करेगा और क्रोम में ये ऑप्शन शो नहीं करता है। तो चलिए हम लोग मोजिला को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे ई लाभार्थी। जी हाँ दोस्तों, ई लाभार्थी सर्च करने के बाद देख सकते हैं हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है। तो हम लोग इसी पे ई लाभार्थी .bis.nic.in पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो आप लोग देख सकते हैं। पे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन सीएससी से लॉगिन करने का शो हो रहा है, एक ई लाभार्थी लिंक 2 है, एक ई लाभार्थी 3 है। तो इन दोनों में से आप किसी एक पे क्लिक करके आगे बढ़ लेंगे। तो मैं यहाँ एक पे क्लिक कर लिया हूँ और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ चुका हूँ। तो जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। मेरा आईडी पासवर्ड सेव है तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के और यहाँ पे आप अपना कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक फॉर ई लाभार्थी पेंशन पे आपको क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर के थ्रू यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर के थ्रू यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ 3 नंबर में है बेनिफिशियरी के थ्रू यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे सर्च करूँगा। जिनका वृद्धा पेंशन KYC करना है उनका यहाँ पे आधार नंबर डाल के सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग भी अपना जिनका भी KYC करना है उनका आधार नंबर यहाँ पे डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको देखने को शो होगा। तो यहाँ पे आपको नाम नेम अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड पर से नेम देख कर यहाँ पे आप डाल देंगे। आधार कार्ड पर से नेम डालने के बाद यहाँ पे सिंपली ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ये टोटल चीज़ हटा देना है। ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनका वार्ड नंबर चूज कर लेना है। अगर मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है तो वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेमोग्राफिक डाटा ऑथेंटिकेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, गो फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आप लोग सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका बायोमेट्रिक शो होने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी यहाँ पे बायोमेट्रिक शो करने लगेगा और फिर बायोमेट्रिक पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मॉर्फो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो मेरा मॉर्फो जल चुका है और यहाँ पे मैंने कस्टमर का फिंगर भी लगवा दिया है। तो देख सकते हैं फिंगर लगने के बाद यहाँ ऊपर सक्सेसफुल का ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा कैप्चर डन हो चुका है। उसके बाद सिंपली हम लोग ऑथेंटिकेट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑथेंटिकेट नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक सक्सेसफुल का ऑप्शन शो होगा। जैसे ही शो होगा बायोमेट्रिक सक्सेसफुल का, उसके बाद सिंपली हम लोग बैक करेंगे और यहाँ पे अब आ जाएंगे हम लोग पेमेंट पेज पर। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ पॉपअप शो हो रहा है, इसको कट कर देते हैं। और चूंकि हम लोग का ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है तो सिंपली यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद सिंपली फिर से सर्च पे क्लिक करेंगे। और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो हम लोग सिंपली अपने CSC ID से पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी आधार नंबर कुछ गलत डला गया इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कहाँ पे आधार नंबर गलत डलाया हुआ है। तो मैं फिर से आधार नंबर सही से चेक करके डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सर्च करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है गो फॉर पेमेंट का ऑप्शन। तो हम लोग सिंपली पेमेंट पे जाते हैं और यहाँ पे फी पे के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं।
तो आप लोग भी सिंपली ऐसे ही पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे फी पे के ऑप्शन पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना CSC ID का जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड यहाँ पे डालने की ज़रूरत होती है। जैसे ही सिंपली यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद सिंपली यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ आपका वॉलेट पिन मांगता है, तो आप अपना यहाँ वॉलेट पिन डाल लेंगे। वॉलेट पिन डालने के बाद सिंपली यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा और उनका KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप फिर से बैक करके इनका चेक कर सकते हैं कि KYC हुआ है या नहीं। यहाँ पे गो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पेज पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आधार नंबर उनका कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि मुझे बार बार आधार नंबर डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं सॉरी पेज इधर आ गया है। तो मैं फिर से एक बार ई लाभार्थी का पेज खोल लेता हूँ नया से, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्वर इरर आ रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फिर से आ चुका है और इसको हम लॉगिन विद CSC डिजिटल सेवा से क्लिक कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं लाभार्थी पे, यहाँ पे आधार नंबर डालकर और फिर सर्च पे क्लिक करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे सिंपली वेरीफाई होकर आ चुका है, यहाँ आज के डेट में यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। और फिर इनका KYC अगले साल कराना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो मेरा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल के जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।